जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आजना टीवी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली के धर्मधरा पंजाबी बाग स्थित आत्मभवन जैन स्थानक अरिहंत नगर में 17 जुलाई 2024 को मंगलमय चातुर्मास 2024 हेतु उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब आदि थाने का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर महाराज साहब का मंगल आशीष प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। दिल्ली की धर्मधरा पंजाबी बाग स्थित आत्मभवन जैन संस्थानक अरिहंत नगर में 17 जुलाई 2024 को मंगलमय चातुर्मास 2024 हेतु उपप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहिब आदि थाने का मंगल प्रवेश हुआ। जिसकी शुरुआत गुरुदेव की जयकारों से हुई। श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद जी महाराज की जय। मन में उत्साह के भाव एवं हाथों में धर्म ध्वज लेकर भक्तों ने महाराज साहिब के मंगल प्रवेश में सहभागिता की। मंगल प्रवेश के दौरान कई स्थानों पर भक्तों ने गुरु मां को नमन वंदन किया और मंगल गीत गाए। इसके साथ ही महाराज साहिब का मंगल प्रवेश आत्मभवन जैन स्थानक अरिहंत नगर पंजाबी बाग दिल्ली में हुआ, जहां पर महाराज साहिब की मंगल अगवानी की गई। अगवानी के बाद महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहिब के पावन सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिनकी शुरुआत नमोकार महामंत्र की जाप के साथ हुई। नमोकार महामंत्र जाप के बाद महाराज साहिब ने भक्तों को भक्ति आराधना कराई। यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा एक समय से पहले उठना और पहुँचना, ये आपकी श्रद्धा की अभिव्यक्ति। रही बात यहाँ चतुर्मास के लिए, नवरात्र में जब जसवंत भाई साहब आए तो उन्होंने बात रखी तो मेरा तो मन था, फिर भी उन्होंने कहा एक बार बाहर बुला लीजिए। बाहर आने के बाद मैंने कहा हाँ, कहते देखो आप दो होना चार हो जाओगे, चार होना तो आप आ जाओ। मैं हंस पड़ी, इन्होंने मेरी हंसने को स्वीकृति समझी। आप तो चार कह रहे थे, हम तो हो गए चार, पांच हो गए, अब तो ना पांच हो गए। और मैं वैसे भी कह रही थी अब अरिहंत नगर में चतुर्मास पांच थानों का है, है भी पांच है ना जी, जी, जी। वो बात लगे कि बीच की दीवार है, दिलों में दरार ना हो तो दीवारें नजर नहीं आती, बस दीवारें खत्म है तो दरारें खत्म है। बस इसके बाद मैं वहां दर्शन करने के लिए जाऊंगी एक बार आपके समय की सुविधा के लिए, क्योंकि आपने आज और गुरु भगवंतों के उपाध्यायों के प्रवर्तक जी के आज और गणाधी जी का भी और इधर श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब सभी के दर्शन और प्रवचनों का लाभ लेना है, यात्रा में सहयोगी बनना है। ये चातुर्मास आपके लिए, गुरु माँ के लिए परिवार में क्या बने, शांति का कारक बने और अशांति के निवारक का कारक बने, और जीवन में अशांति के साथ साथ
अज्ञानता हरण का माध्यम बने। चातुर्मास इसीलिए होता है। तो गुरु माह का यहाँ पर प्रवेश आप सभी के जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो इसीलिए हुआ है। तो आप सभी जैसे आपके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है ना, हमें सच में ही 3 दिन से आप श्री के दीदार कर रहे हैं, आपके श्री चरणों में आनंद और मस्ती मना रहे हैं, यूं लगता है हम जन्मों से परिचित हैं। भक्ति आराधना के बाद धर्मसभा में भक्तों ने स्वागत भाषण देते हुए महाराज साहिब के बारे में बताया। नाम आपका लेने से मन हर्षित हो जाते हैं, दर्शन आपके पाकर हम फूले नहीं समाते हैं। परम सौभाग्य होता है उन क्षेत्रों का जहां आप जैसी साधिका विचरण को आते हैं, और क्षेत्र वो तीर्थ बन जाते हैं जहां आप चातुर्मास फरमाते हैं। बड़ा ही पावन प्रसंग, हमारे आचार्य भगवान की आज्ञानुवर्ती एवं स्नेह की प्रतिमूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी श्री रश्मि जी महाराज साहब आदि ठाणे एवं साध्वी रतन लक्ष्मी जी महाराज साहब सेवा शर्मणी श्रेया जी महाराज साहब विराजित हैं, और हमारी महासाध्वी दिव्य साधिका जी का चातुर्मास का प्रवेश हुआ। मात्र कुछ ही वर्षों से मैं गुरुना जी के चरणों में हूँ, 2015 से जुड़ा, और इनकी ऐसी कृपा मुझ पर हुई कि मैं लगातार इनके चरणों में सेवा दे रहा हूँ और इनका प्यार और आशीर्वाद ले रहा हूँ। हमारे पूरे परिवार पर इनकी कृपा है। आज के इस चातुर्मासिक प्रवेश पर मैं जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा दिल्ली प्रदेश श्री सेवक संघ दिल्ली परम पूज्य परम आदरणीय परम आराध्य जैन मनीषा के मेरुतुंग हमारे गुरुनी जी महाराज साहब, आज का मंगल प्रवेश और ये ऐसा प्रवेश जो अपने आप में ऐतिहासिक बनी चुका है, ये ऐसा प्रवेश जिसने आज दिल्ली को जगा दिया है, ये ऐसा प्रवेश जहाँ पे चाहे हमारा ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस हो, चाहे हमारी श्रावक समिति हो, चाहे हमारी ऑल इंडिया की जितनी भी संस्थाएं हो, उनके पदाधिकारी उनके महानुभाव सभी यहाँ पे पधारे, और हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सब कड़ियाँ जुड़ती चली गई, और ऐसा मनोरम और ऐसा दृश्य जिसने ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना करने के लिए हमें प्रेरित कर दिया हो। हम तो यही भावना भाते हैं कि जैसे 21 का चतुर्मास था, हमारे को ऐसा सौभाग्य दोबारा जो हमारी झोली में पड़ा उसको हम अपने ज्ञान दर्शन चरित्र से आगे बढ़ते चले जाएं। स्वागत भाषण के बाद कुछ भक्तों ने महाराज साहिब को समर्पित भजन प्रस्तुत किए। आए हैं मेरी गुरनी गुरनी जी आज आए, आए हैं मेरी गुरनी गुरनी जी आज आए, दिल में है हर्ष इतना हो, दिल में है हर्ष इतना तुम्हें कैसे हम बताएं, आए हैं मेरी गुरनी गुरनी जी आज आए, महका है आज मौसम झूमी है डाली डाली, नगरी में नूर छाया कोई बात है निराली, लो बागवा है आया हो, लो बागवा है आया जैसे बहार बन के, आए हैं मेरी गुरनी गुरनी जी आज आए, आज आया दिन ये सुहाना स्वागतम हुआ आपका जी आना, स्वागतम हुआ आपका जी आना, सबने मिलके रौनक लगाना, स्वागतम हुआ आपका जी आना, जिन गुर ने मैया बुलाए उन घर विच चैन न आए, ओ तां पज पज दर्शन पाए ते समझो गुरां दियां मेरा ने, गुरां दियां मेरा ने,
मैं की सिफता करा तेरे दीदार दिया तेरे दर ते संगता दर्शन करन नू आ गईया जेड़ा ने गुरा नल लावे ओदी कट चौरासी जावे जेड़ा ने गुरा नल लावे ओदी कट चौरासी जावे ओ तो पज पज दर्शन पावे ते समझो गुरा दिया मेरा ने ले जाने ओ असी ले जाने आ गुरना होर दे कई जाने आ गुरना होर दे कई जाने आ साड़ी आत्मा दी भुख कदे मिटनी नहीं हो साड़ी आत्मा भुख कदे मिटनी नहीं हो तेरे दर जई मौज किते लभनी नहीं हो तेरे दर जई मौज किते लभनी नहीं हो तुसी सुनी जांदे हो असी कई जाने आ तुसी सुनी जांदे हो असी कई जाने आ गुरना होर दे कई जाने आ गुरना होर दे कई जाने आ जो भी दर तेरे आया ओ निहाल हो गया दर तेरे आया ओ निहाल हो गया तेरे चर दर्शना दे नाल ना माला माल हो गया। भजन की प्रस्तुति के बाद महाराज साहिब ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को चातुर्मास प्रवेश के बारे में समझाया। ये चातुर्मास जो कि चार महीने का हमें मिला हमारी गुरनी तुल्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब ये आपके लिए नए नहीं है आपके लिए नए नहीं है। इनका 2021 का चातुर्मास भी यही था 2021 का चातुर्मास भी यही था तो आपसे सभी से ही परिचित हैं। तो प्रतिकर्मण जिसमें कि दूसरा शब्द प्रतिकर्मण भूल की माफ़ी मांगना भूल की माफ़ी मांगना क्या होता है प्रतिकर्मण होता है। और तीसरा शब्द पचकान। प्रवचनों के मध्य में भक्तों ने उद्गार भी व्यक्त किए। जिन्हें इतनी जल्दी दोबारा और महासती जी का चतुर्मास मिला है निश्चित रूप से इस चतुर्मास में आपके यहाँ धर्म ध्यान के और ठाट लगेंगे त्याग तपस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। अरिहंत नगर जो क्षेत्र है वैसे भी दिल्ली में और अपनी आध्यात्मिकता के लिए और पहचाना जाता है चारों तरफ आपका नाम है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चातुर्मास का आप लाभ लें। भक्तों के उद्गार के बाद उपप्रवर्तनी दिव्य साधिका महासाध्वी श्री डॉक्टर रश्मि जी महाराज साहिब ने अपने प्रवचनों के माध्यम से चातुर्मास की महत्वता बताई। चतुर्मास आपको लगता है चार महीने ठहरने का अवसर है वास्तविकता में देखा जाए ये चतुर्मास साधना काल है जिसे सनातन परंपरा में वर्षा काल कहा गया हमारे यहाँ भी वर्षावास ही कहा जाता था। पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर ही चतुर्मास की आराधना करते थे। बीच के साधुओं के लिए ना प्रतिकर्मण आवश्यक था ना ये आवश्यक था पर इस चतुर्मास का अर्थ हम अपने आप को जानें। लोग कहते हैं धर्म ध्यान करो वो आप करते ही हो धर्म को करने की बजाय जीना शुरू करो धर्म में जीवन जिएंगे तो जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। पढ़ना किताबों का पढ़ना बहुत अच्छी बात है पर किसी के दर्द को जिस दिन पढ़ लोगे किसी की आंख के आंसू से आपकी आंख नम होगी तो समझ लेना हमें जैन होने का गर्व है। भगवान महावीर तो संगम जैसे के लिए आँख गिली कर ली जिनके कानों में कीले ठोके गए उफ ना करी पर संगम को जाते हुए उनकी आँखें नम हो गई। और हम दूसरे को दुखी देखकर कहते अच्छा मेरे साथ ऐसा किया था ना इसका फल तो इसे मिलना ही वाला था फिर कहें कि हम जैन रह गए। आप जैन बनो या ना बनो पर इंसान जरूर बनना। जिस दिन इंसानियत किसी का दर्द आपके भीतर उतर आता आप कोशिश करो कि आप एक रोटी कम खाएंगे पर किसी और को खिला सकते हैं। जिस दिन दूसरे की भूख आपको व्याकुल कर दें ये गुण था मेरे गुरानी जी महाराज साहब में वो चेहरा देखते पहचान जाते थे ये व्यक्ति भूखा है
उन्हें कभी अपने देने में संकोच नहीं होता, कहते नहीं मुझे आवश्यकता नहीं। हाँ समय संयोग होता कई बार काम, हम सब होते नहीं, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं, मेरी प्लेट में रख देना, वाणी की और सबकी। इस प्रकार का जब भाव आता है, ये धर्म करना नहीं है, धर्म जीना है। महावीर के अनुयायी हैं तो संगम की वजह से उनकी आंख भर आई। संगम ने कहा प्रभु मैंने इतनी वेदना दी आपको, आपको दुख देने वाला जा रहा है। कहते मुझे तेरे जाने से गम नहीं, तो मेरे पास रह कर के भी जो बोझ लेकर के जा रहा उस बोझ को तेरे कमजोर कंधे कैसे उठाएंगे। जिस दिन आप अपने कर्मचारी से ये समझ लें कि वो बेचारा इतना काम कैसे कर रहा होगा, एक बार उसे ये पूछ लो बेटा चाय पी ली तूने, ऐसे चौड़ा हो जाता है कि मुझे किसी ने बेटा कह दिया, किसी ने मेरी चाय की फिक्र कर ली। बस धर्म जीने की चीज़ है, करने की चीज़ नहीं। करना तो टेबल सिखा दिए ना आपको, टेबल सिखाने के बाद आप कैसे उनके साथ जिए, वो आपका प्रैक्टिकल तो आपका घर है, उस प्रैक्टिकल जीवन को जीने के लिए हम थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ करेंगे। इसी कड़ी में भक्तों ने गुरु वंदना कर मांगली की और महाराज साहिब का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। शरण दुख हरण जगत में और न सरना कोई होगा, जो भव्य प्राणी करें आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पदम जी सह परिवार पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सभी बच्चों के साथ में मदन लाल भाई साहब शामली वाले भी पहुँचे, संजय भाई साहब सभी के लिए बहुत बहुत, राकेश चंचल जी, रमेश जी सभी का बहुत बहुत, आलोक सीमा जी, अतुल मंजू जी सभी के लिए बहुत बहुत आनंद मंगल। गुरु आशीष के साथ ही धर्म सभा का समापन हुआ। दर्शकों भी आप देख रहे थे दिल्ली की धर्मधरा पंजाब विभाग स्थित आत्मभवन जैन स्थानक अरिहंत नगर में 17 जुलाई 2024 को मंगलमय चातुर्मास 2024 हेतु हुए उप्रवर्तनी स्नेह मूर्ति महासाध्वी श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या उप्रवर्तनी दिव्य साधिका महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब आदि ठाणे के मंगल प्रवेश की विशेष छल किया। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही, अभी समय आपसे विदा लेने का, दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।